कृतिका यादव, फहमान खान, स्वार्धा थिंगले, आकाश जग्गा, ये चारों एक साथ नज़र आने वाले हैं एक शो के अंदर, यानी कि दो जोड़ी पर बेस्ड होने वाला है ये शो। हालांकि जो मेन लीड होने वाले हैं वो फहमान खान हैं और कृतिका यादव हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अभी आप स्टोरी देख रहे होंगे, इस स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा टेनेंट ट्विस्ट आने वाले हैं। एकदम स्टोरी यू टर्न लेगी, एक अलग ही मोड़ लेगी स्टोरी, और जहाँ पर आपको कृतिका यादव आकाश जग्गा की वाइफ बनते हुए नज़र आ रही हैं। दोनों के बीच में आप जानते होंगे अरेंज मैरिज कराई जा रही है, जिस तरीके से प्रोमो देकर आप लोगों को पता चल रहा होगा, यानी अनजानी जोड़ी मिलाई जा रही है एक साथ अपने माँ बाप के कहने पर। दोनों ये यहाँ पर सभी शादी कर रहे हैं और खुश हैं, अपनी अपनी फैमिली को देखते हुए सभी खुश हैं। लेकिन जिस तरीके से किस्मत इन्हें मिलाएगी आपस में, तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से फैमिली के खिलाफ जाकर शादी करना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, फिलहाल तो शारदा थिंगले फहमान खान के अपोजिट नज़र आ रही हैं प्रोमो के अंदर, लेकिन यहाँ पर कहानी टर्न एंड ट्विस्ट आएंगी काफ़ी ज़्यादा। जब यू टर्न लेगी कहानी, तो यहाँ पर कृतिका सिंगर उनकी वाइफ बनती हुई नज़र आएंगी, उनकी लवर बनेंगी, उनकी वाइफ बनेंगी। तो जिस तरीके से उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसके बाद तो आप जानते होंगे डेली शो में जो होता है, उस तरीके से कई सारे मुश्किलें आती हैं और उन्हें मिटाना जो चाहते हैं, और वही फैंस को बहुत ज़्यादा लुभाते हैं। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर जोड़ी देखने को मिलने वाली है, ऐसे स्टोरी आपको शो के अंदर देखने को मिलने वाली है। धर्मपत्नी शो का टाइटल डिसाइड किया गया है, फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहे हैं इस धर्मपत्नी शो को देखने के लिए। आपको बता दें, फहमान खान के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर फैंस बहुत लंबे टाइम से डिमांड कर रहे थे, फाइनली फहमान खान अपना न्यू प्रोजेक्ट लेकर सामने आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक नई जोड़ी देखने को मिलेगी। हालांकि सुम्बुल तौकीर, यानी कि इमली और आयरन के जो फैंस हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक गुड न्यूज़ भी बोली जा सकती है और साथ ही बैड न्यूज़ भी है, क्योंकि लोग देखना चाहते थे इमली और आयरन की जोड़ी को दोबारा से। लेकिन बिग बॉस में इमली का जाना और उसके बाद फहमान का इस तरीके से आना, तो दोनों की जोड़ी दोबारा से अभी आपको देखने को नहीं मिल पाई है। हालांकि जैसे ही सुम्बुल बिग बॉस हाउस से बाहर आएंगी, उसके बाद डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों की डिमांड पूरी होती हुई ज़रूर नज़र आएगी। सो आपको बता दें, ये जो जोड़ी है आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने वाली है। देखना ये रहेगा क्या जिस तरीके से इमली और आयरन की जोड़ी को प्यार मिला है, क्या इस जोड़ी को भी मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताना अपनी एक्साइटमेंट। वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।